हे गाइज, वेलकम बैक टू माई फैशन अप चैनल। दिस इज मी भावना शर्मा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना ये डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग। और ये वाले की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो ये मेरे पास एक बनारसी सिल्क है फैब्रिक और ये लाइनिंग है, दोनों 1 मीटर मैंने लिया है। तो अभी हम इसको लाइनिंग पे कट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे इस तरह से। फिर कपड़े को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम विड्थ में इसकी लेंथ लेंगे 13 इंच और लेंथ में हम लेंगे इसको 17 इंच। ये हमें 14 इंच का रेडी चाहिए ब्लाउज, तो इसलिए मैंने 17 इंच लिया है। फिर उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैं 6 इंच ले रही हूँ, तो 6 इंच पे मैं टिक लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आर्म होल लूँगी। आर्म होल की लेंथ मैंने 7 इंच रखी है, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। और इन दोनों लाइन को पहले मैं मिला दूंगी एक दूसरे से। फिर उसके बाद मैं एक स्क्वायर टाइप में बना लूंगी। और उसके बाद मैं 1.5 इंच का आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1/2 इंच का मैं फ्रंट का रखूंगी और 1 इंच का मैं बैक साइड का गोलाई रखूंगी। तो ये दोनों हमारी मुड्ढे की गहराइयाँ हो जाएंगी। और उसके बाद मैं चेस्ट का 4th पार्ट रखूंगी। तो मैं अपने चेस्ट का 4th पार्ट रख रही हूँ यहाँ पे। आप अपने चेस्ट के अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं नेक का सेंटर पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे। 3 इंच का मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ और 3 इंच का हमारा शोल्डर रह जाएगा। एक बार और अच्छे तरीके से हम मेजर कर लेंगे और जो हमारा वेस्ट वाला कपड़ा उसको मार्क करके उसको अलग कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे सिलाई करने के वक्त। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वेस्ट लाइन की फिटिंग ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। उसका भी 4th पार्ट लेना है आपको। फिर उसके बाद मुझे प्रिंसेस लाइन कट करने के लिए फोल्डेड साइड से मैंने 3.5 इंच रखा है और ऊपर की तरफ से मैंने बस्ट लाइन क्रिएट किया है 10.5 पे। ये मैंने लगाया निशान। फिर अगेन मैं बस्ट साइज पे अपना 10.5 इंच रखूँगी प्रिंसेस कट के लिए। और ऊपर की साइड से हम 1/2 इंच लेंगे मुड्ढे शोल्डर के साइड से और इसको हम गुलाई भी दे देंगे फ्रंट की और बैक साइड की। और फ्रंट की हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में देंगे गहराई, हमारी जो लाइन है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा में रखेंगे। उसके बाद हम ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मिला देंगे। उससे पहले हम 2.5 इंच का अपना प्रिंसेस कट रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 3 इंच रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये सारे पॉइंट को मैं इस तरह से मिला दूंगी एक दूसरे से। फिर ये बर्स्ट पॉइंट को हम अपना जो शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच लिया था उससे एक दूसरे को मिला देंगे। तो इस तरह से मैंने ये गोलाई देके ये मिला दिया है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ड्रॉ हो चुका है और इसको थोड़ा सा और गोलाई में दे देंगे इस तरह से प्रिंसेस कट को। तो ये अभी पूरा अच्छे तरीके से ड्रॉ हो चुका है। हम अपना चेस्ट पार्ट को और वेस्ट लाइन को हम मिला देंगे एक दूसरे से। और उसके बाद मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी दोनों साइड से। आप 3 इंच का भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा रखेंगे तो वो कपड़ा अजीब सा लगता है, मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता, फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक साइड पे हमने निशान लगा ही लिया है। और अभी हम 6 इंच का फ्रंट से टिक लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे हमारा फ्रंट का है 6 इंच का। लेंथ लेनी है हमें नेक की और अब हमें कटिंग करनी है। पर याद रखें, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जब कटिंग करनी है तो हमें बैक साइड का जो हमने कट किया है 1 इंच पे गहराई, हमें वही कट करना है, फ्रंट वाला कट नहीं करना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ऊपर साइड से भी हम इनको कट कर लेंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे। बट याद रखें, फोल्ड साइड से नहीं कट करना। और जो नेक लाइन की थी हमने 3 इंच का, उसको भी हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारे इक्वल रहे।
ये हमने शोल्डर की तरफ से भी हमने कट कर लिया है, तो ये हमारे रेडी हो गए। ये हमारा फ्रंट पार्ट अलग हो गया एंड बैक पार्ट अलग हो गया। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसका निशान हमें दूसरे साइड भी लेना है, तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप निशान ले सकते हैं। इसको थोड़ा थपथपाना है, फिर दूसरी साइड भी निशान आ जाएगा हल्का हल्का। तो देख सकते हैं आप लोग, ये आ गया है यहाँ पे, और आपको इसी के ऊपर आपको फिर से ये ड्रॉ करना है प्रिंसेस कट। आप चाहो तो इसको एक साथ रख के भी कट कर सकते हैं, बट आज का जो मैं आप लोगों को ब्लाउज दिखा रही हूँ उसमें इस तरह से करना है। अब हम यहाँ से आर्म होल की गहराई भी ले लेंगे साथ के साथ। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी इसलिए हमने गहराई नहीं ली थी। तो ये हमारा फ्रंट का एकदम रेडी हो गया है। उसके बाद हमें ये लेंथ में जो हमने मार्क किया था उस तरह से अगेन हमें 6 इंच का मार्क लगाना है। आप लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखेंगे तो बहुत डीप हो जाएगा, बहुत अजीब लगेगा। फिर उसके बाद हमारी जो फिटिंग की लाइन है उसको, जो हमारा नेक है जो हमने कट किया था 3 इंच का, उन दोनों को एक दूसरे को पॉइंट को मिलाना है, बस गोलाई देते हुए मिलाना है आपको। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप लोगों को मिला देना है। तो इस तरह से मैंने गोलाई दे दी। अब ये जो दूसरा पीस है हमारा बैक साइड का, इसमें आप लोगों को बैक साइड में प्लेट चाहिए, तो जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है, आप सेंटर पार्ट फोल्ड करके आप निशान आ जाएगा उस हिसाब से आप लोग, ये बहुत ही ईजी तरीका है, प्लेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की प्लेट रखी है जिसको मैंने 1 इंच का रखा है, लेंथ में 5 इंच है और विड्थ में इसका 1 इंच लूंगी एक एक प्लेट का। और यही निशान हमें दूसरे साइड भी चाहिए, तो इसी तरह से आपको थपथपाना है, दूसरे साइड भी आ जाएगा ये निशान। और ये दूसरे साइड आके हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये हमारी बैक साइड की प्लेटें ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों को एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और हम ये नेक कट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने कट किया है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरीके से कट कीजिएगा। ये इस तरह से कट कर देंगे हम। तो ये हमारा नेक एकदम कट हो चुका है और अब हम इसको लाइनिंग के ऊपर रख के अलग अलग पार्ट को कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट अलग से कट करेंगे और बैक साइड का अलग से कट करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसको अच्छे तरीके से पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना जाए। और फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट के पार्ट में बहुत ज़रूरी होता है पिन करना, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट करना होता है और अगर थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो हमारा ये स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले इसको अच्छे तरीके से हम पिनअप कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे पिनअप कर चुकी हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे, जैसा हमारा लाइनिंग है उसी तरह से। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो चुका है। अब इसके बाद हमको ये प्रिंसेस काटने हैं, तो अब हमें ये प्रिंसेस की कटिंग करनी है। इस
तरह से आप लोगों को गोलाई में गोलाई देते हुए हल्के हल्की सी कट कर देनी है प्रिंसेस। और जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट था वहाँ पे आप लोगों को कट लगाना छोटा सा, ताकि हमें कट्स अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, आप इजीली बना सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। और ये दूसरा साइड भी मैं कट कर लूंगी इस तरह से गोलाई देती हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी कट लगा दूंगी बस्ट पॉइंट पे। और ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी ताकि हमें याद रहे। ये मैंने यहाँ पे एक साइड में कट लगा दिया और ये दूसरे साइड में कट लगा दिया। और अब सारी पिन को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये लाइनिंग अलग से अटैच करनी होती है और फैब्रिक अलग अटैच करना होता है, तभी हमारे जिसमें हम पैड यूज़ करने वाले हैं वो इसमें अटैच होंगे। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट को, फ्रंट वाले पार्ट को अलग रख लेंगे। और अब हम देखते हैं हमारा बैक साइड को भी हमें कट करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। जैसे हमने फ्रंट का पार्ट रखा उसके अपोजिट हमें बैक का रखना है, क्योंकि जो हमारे शोल्डर हैं वो हमें अपोजिट साइड में चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सेम साइड में रख सकते हैं और आपका वन शोल्डर ऑफ ब्लाउज बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। तो इस तरह से आप लोग कट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स नहीं हो, बिगनर हो अगर आप, तो अच्छे तरीके से पहले पिनअप कर लीजिएगा तभी काटिएगा। और अब ये मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। और ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है, इसको मैंने कट कर लिया है। और इसका जो मैंने प्लेट का निशान लगाया था उसमें भी हम छोटा सा कट लगा देंगे। और अभी मैंने इसको स्टिच कर लिया ऑफलाइन, और मैंने प्रिंसेस कट स्टिच कर लिए अलग अलग में, और नेक लाइन भी मैंने स्टिच कर लिए, और मेरा आर्म होल भी मैंने स्टिच कर लिया है। और ये दो मेरे पास अभी पैड हैं, इनको हमें यूज़ करना है। उससे पहले हम इन पैड का सेंटर पॉइंट लेंगे, तो सेंटर पॉइंट पे हमें निशान लगा देना है और उसको स्टिच करना है सुई धागे से बस्ट पॉइंट पे। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमें मशीन चला देनी है, तो हमारे इसमें ये कप्स इजीली लग जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को उसी तरीके से कीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारे ये यहाँ पर फिट हो जाएंगे। और ये बैक साइड में भी मैंने प्लेट लगा ली है। और ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है इस तरीके से। ये हमारे शोल्डर एकदम अपोजिट आने चाहिए एक दूसरे के। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कर्व्स अटैच कर लिए हैं। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारा बैक साइड है। तो यहाँ पे मैंने ये चार स्ट्रैप लिए हैं जिनको मैंने स्टिच किया है, और 10 इंच को मैंने इसको लेंथ रखा है, और आधा इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसमें विड्थ दी है। तो हर एक स्टेप मैंने 10 इंच की रखी है, जिसमें से हमें दो पट्टियां भी निकल जाएंगी। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, एक शोल्डर में दो स्टेप लगा सकते हैं आप, तीन भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको पहले सुई धागे से अटैच करना, फिर उसके बाद मेन सिलाई करना इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएंगी। Thank you.
तो ये दोनों में मैंने आपको करके दिखा दिया है, अब आपको इसको स्टिच करना है। और यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर दिया इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। और पूरा ब्लाउज हमारा डिज़ाइनर रेडी हो गया है बनके, और कितना सुंदर लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। और साइड में इसमें आपको जिप अटैच करनी है, अगर आप चाहो तो इसको बैक साइड से ओपन रख सकते हैं, हुक लगा सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।